बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अटैक ऑन टाइटन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स ने हमला किया, जिस वजह से धरती की लगभग पूरी आबादी खत्म हो गई। जो बचे हुए इंसान होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि टाइटन्स दीवार के दूसरी तरफ ना आ पाए, और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। 100 साल बाद दिखाया जाता है कि अब इंसान टाइटन्स को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी दीवारों की दूसरी तरफ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दीवार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है वो तबका जो अमीर है, जो इस पूरे के पूरे शहर पर रूल करता है। दूसरे वर्ग में इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और तीसरे वर्ग में वो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं। इन तीनों वर्गों के लोगों को जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं इन्हें खास हिदायत होती है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। अब जो कृषि वर्ग होता है, जो एरिया नंबर 3 में रहता है, यहीं पर हरुमा नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत बहादुर होता है, और वो टाइटन्स पर विश्वास नहीं रखता, और उसका सपना होता है कि एक दिन वो दीवार के दूसरी तरफ जाकर उस दुनिया को भी देखेगा। वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करता है, और एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा आर्मी का पहरा रहता है, इसीलिए सोल्जर्स इन सब को पकड़ लेते हैं, और इससे पहले कि वो इन सब को मार दे यहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है जो हरुमा को पहले से जानता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दीवार के पास मत आना। पर इससे पहले कि हरुमा अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाता, आसपास की जमीन थर्राने लगती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। और जब ये दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहां पर एक जलता हुआ टाइटन होता है जो कि दीवार से भी बहुत बड़ा होता है। इससे पहले इनमें से किसी ने कभी टाइटन नहीं देखा था, और ये एक जाइंट टाइटन है जो दीवार को अपने पैरों से ठोकर मारने लगता है। दीवार पर एक छेद भी हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस दैत्यनुमा टाइटन पर हमला करो, लेकिन यहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं सरकार ने उन्हें चलाने से मना किया होता है, और अगले पल वो टाइटन यहाँ से हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। अब उस विशाल टाइटन ने दीवार पर जो छेद किया होता है वहां से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। आर्मी के सोल्जर समझ जाते हैं कि ये टाइटन्स अब इंसानों पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए इनके पास जो तोप होती है उन तोप से वो टाइटन्स के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि टाइटन्स को चोट पहुंचती है, लेकिन जल्दी ये सब के सब अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, यानी कि इन टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। और इसके बाद टाइटन्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई लोगों को मार देते हैं। अब चारों तरफ अफरा तफरी होती है, इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सब के सब यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हरुमा और उसकी दोस्त भी वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त देखती है कि वहां पर एक बच्चा है, वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हरुमा चाहकर भी अपनी दोस्त तक नहीं पहुंच पाता, और भीड़ खुद ब खुद उसे हॉल के अंदर पहुंचा देती है, और अब हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हालांकि हरुमा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। और अगले पल एक फीमेल टाइटन उसकी दोस्त के पास आ जाती है, और वो उसकी दोस्त को और उस बच्चे को मार देती है। हरुमा किसी तरह से उस हॉल से बाहर आ जाता है, और जब वो उस हॉल के चारों तरफ देखता है तो वहां पर बहुत सारे टाइटन्स होते हैं जो उस हॉल की छत को तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। हरुमा किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। अब 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हरुमा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसे एरिया 2 कहा जाता है। दरअसल यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची और बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए टाइटन्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होते। इसीलिए जितने भी बचे हुए लोग थे वो सब के सब एरिया 2 में, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। इन्हें ना तो यहाँ पर पर्याप्त खाना और ना ही पर्याप्त पानी मिलता है, और अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं, भरपेट खाना खाना चाहते हैं, तो इन्हें अपने एरिया को, जिसे एरिया 3 कहा जाता है, जहाँ पर सबसे निचले वर्ग के लोग रहा करते थे, जहाँ अब टाइटन्स का कब्जा है, उस एरिया को टाइटन्स के कब्जे से छुड़ाना होगा। इसीलिए यहाँ पर आर्मी की एक टीम बनाई जाती है जो कि टाइटन से लड़कर उस एरिया को पूरी तरह से टाइटन से मुक्त करेंगे, और इस टीम में हरुमा भी होता है।
दरअसल टाइटंस ने उसकी दोस्त को मार दिया था और अब वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। अब कमांडर सभी सोल्जर से कहता है कि एरिया नंबर 3 में जिस होल से सबके सब टाइटंस अंदर आए थे, उस होल को हमें बंद करना होगा। हम वहां पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे आसपास का वहां का जितना भी मलवा है उस होल के सामने आ जाएगा, जिससे होल बंद हो जाएगा और टाइटंस कभी भी दोबारा एरिया नंबर 3 में नहीं आ पाएंगे। ये दीवार बहुत ज्यादा मजबूत होती है जिसे टाइटंस तोड़ नहीं सकते। यहां पर इन्हें ये भी पता चल चुका होता है कि टाइटंस को कैसे मारा जा सकता है। दरअसल अगर पीछे से उनकी गर्दन पर वार किया जाए तो टाइटंस मारे जाएंगे और दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अब रात के अंधेरे में ये पूरी की पूरी टीम एरिया नंबर 3 में एंटर कर जाती है और जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पर इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब यहाँ पर जो फीमेल सोल्जर होती है वो बच्चे की मदद के लिए उस जगह की तरफ बढ़ जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। अरुमा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जब ये उस बच्चे तक पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये इंसान का नहीं बल्कि टाइटंस का बच्चा है, जो कि बहुत ही विशाल होता है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है जिस वजह से सारे टाइटंस जाग जाते हैं और वो हरुमा और उस फीमेल सोल्जर के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कमांडर होता है वो अपनी पूरी सेना के साथ बारूद असला लेकर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हरुमा, फीमेल सोल्जर और बाकी के जो सिपाही होते हैं उनके पीछे टाइटंस पड़ जाते हैं। वो सबको घेर लेते हैं और इससे पहले कि वो हरुमा को और फीमेल सोल्जर को मार दे, यहाँ पर हरुमा की वही दोस्त जो आज से 2 साल पहले बच्चे को बचाने की वजह से हॉल के अंदर नहीं गई थी, जिसके बारे में हरुमा को लगता था कि वो मारी गई, वो आज भी जिंदा होती है। इसका नाम मिकासा है। मिकासा के साथ एक कैप्टन भी होता है जिसका नाम शिकिसीमा है, जो कई टाइटंस को मार चुका है। वो यहाँ पर कई टाइटंस को मार देता है और इन सब को इस जगह से बचा कर निकाल लेता है। लेकिन मिकासा अपने दोस्त हरुमा को देख कर खुश नहीं होती, उसकी आंखों में गुस्सा होता है। दरअसल आज से कई साल पहले जब उसे टाइटन ने निकल लिया था तो शिकिसीमा ने ही उसे बचाया था और उसे टाइटन से लड़ना सिखाया। उसने बताया कि टाइटन से डरना नहीं है, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपने गुस्से को टाइटन्स के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर कमांडर भी आ जाता है और वो इन सबको सफाई देते हुए कहता है कि मैं अपने हथियारों को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और अब इनके पास जो एक्सप्लोजिव होता है उसे ये गाड़ियों में लोड करना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि ये वॉल के लिए निकलते यहाँ पर दो बड़े बड़े टाइटन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो दो लोगों को मार भी देते हैं और तभी इनकी एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी को यहाँ से कोई चुरा कर ले जाने लगता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसके पति को टाइटन ने मारा था। एक्सप्लोसिव की गाड़ी को उस आदमी से छीन कर टाइटन्स के बीचों बीच ले जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कई टाइटन्स जख्मी तो हो जाते हैं लेकिन जल्द ही उनके घाव भर जाते हैं, क्योंकि टाइटन्स को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी गर्दन पर वार करना होता है। कमांडर जब देखता है कि पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव अब खत्म हो चुका है तो यहाँ से निकल जाता है और बाकी बचे हुए लोगों को टाइटन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी हरुमा को शिकिसीमा की बात याद आती है कि टाइटन से लड़ने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल करना होगा, ना कि उनसे डरना होगा। वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करता और टाइटन्स के ऊपर हमला कर देता है। वो कई टाइटन्स को मार देता है लेकिन तभी एक टाइटन उस पर हमला करता है जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त को टाइटन पकड़ लेता और अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, पर इससे पहले कि टाइटन उसे निकलता रुमा अपने पैर कट जाने के बाद भी उठता है और वो टाइटन के ऊपर हमला करता है। वो किसी तरह से अपने दोस्त तक पहुंच जाता है जिसे टाइटन निकलने वाला होता है। वो अपने दोस्त को टाइटन के मुंह से निकाल लेता है लेकिन अब उसने अपना एक हाथ भी खो दिया है और टाइटन उसे निगल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो पाता है कि वो टाइटन के पेट के अंदर है। वहीं बाहर हरुमा की दोस्त मिकासा होती है। जब वो देखती है कि टाइटन ने उसके दोस्त हरुमा को निगल लिया है तो वो उसी टाइटन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर वो होती है वो खराब हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है और उसके सामने वही टाइटन है जिसने हरुमा को निगला है और अब वो मिकासा को भी खत्म करने वाला है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता उसका पेट फट जाता और उसके अंदर से एक दूसरा टाइटन निकलता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, पर वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करता बल्कि वो दूसरे टाइटन्स के ऊपर हमला कर देता है। और जब सब उसे ध्यान से देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि हरुमा होता है। हरुमा सभी टाइटन्स को मार देता है पर अब वो खुद भी कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाता है और तभी शिकिसीमा कहता है इसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट दो। मिकासा ऐसे ही करती है, वो उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट देती है
और अगले पल देखते हैं कि वहां पर हरुमा अपने असली रूप में है। उसने अपना जो हाथ और पैर खोया था अब वो वापस आ चुका है। ऐसा लगता है मानो उसका दोबारा से जन्म हुआ है। वहीं ऊपर से शिकिशिमा सेब खाता हुआ सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। उसे देखकर ये लग रहा होता है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हरुमा एक छोटा बच्चा होता है। उसके पिता एक वैज्ञानिक होते हैं और वो हरुमा की बॉडी में एक वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं। हालांकि हरुमा की मॉम ऐसा करने से उन्हें मना करती है, पर हरुमा के पिता कहते हैं कि आने वाले वक्त में जब हरुमा बड़ा हो जाएगा तो वो इंसानियत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तभी यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाते हैं यानी कि आर्मी के लोग, और ये सब के सब हरुमा को छुपा देते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पता चल चुका होता है कि हरुमा के पिता यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये वो वक्त होता है जब किसी भी तरह का वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करना पूरी तरह से बैन होता है। वो हरुमा के पिता के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जला देते हैं। उस वक्त हरुमा के पिता के साथ आर्मी के वो कैप्टन भी होते हैं जिन्होंने इस कहानी की शुरुआत में हरुमा और उसके दोस्तों को वॉल के पास बचाया था। दरअसल वो हरुमा के पिता के दोस्त थे, इसीलिए वो हरुमा को शुरू से पसंद करते थे। और अब हरुमा और उसकी मॉम को यहाँ से आर्मी वाले अपने साथ ले जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कमांडर ने हरुमा को बांध रखा होता है। हरुमा को खुद भी समझ नहीं आता कि कैसे वो एक टाइटन में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी थी क्योंकि उसने अपने साथियों की जान बचाई थी। अब कमांडर हरुमा को एक दुश्मन समझता है, उसे सबके लिए खतरा समझता है, इसीलिए वो हरुमा को बांध देता है। साथ ही वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में किसी तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हों। यहाँ पर हरुमा के पिता का दोस्त कैप्टन भी होता है। वो कमांडर से कहता है कि हरुमा को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, वो हम सब की मदद कर सकता है। और जब कमांडर देखता है कि कैप्टन उसके फेवर में बोल रहा है तो वो कैप्टन को मार देता है। पर मरने से पहले कैप्टन हरुमा को बता देता है कि तुम्हारी मॉम और डैड का कातिल और कोई नहीं बल्कि कमांडर है। और अब हरुमा को पता है कि उसके माता पिता को किसने मारा था, इसीलिए हरुमा और उसके सभी साथी कमांडर के खिलाफ हो जाते हैं। पर इससे पहले कि कमांडर सबको मारता, ऊपर से एक बहुत बड़ा टाइटन नीचे आकर गिरता है, वो इनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में कमांडर मारा जाता है और अब वो टाइटन हरुमा को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब जो हरुमा के बचे हुए दोस्त हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं हरुमा को दिखाया जाता है जिसके सामने अब शिकिशिमा है। शिकिशिमा उसे बताता है कि जो टाइटन्स हैं इन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। दरअसल तुम्हारे पिता ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दरअसल वो आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक जैविक हथियार बना रहे थे, लेकिन उन जैविक हथियारों को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो वायरस बहुत जल्दी दुनिया में फैल गया जिससे इंसान टाइटन्स में बदल गए और उन्होंने इंसानों के ऊपर ही हमला कर दिया। वो हरुमा को बताता है कि तुम्हारे पिता टाइटन्स को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, एक वैक्सीन भी बनाया जिस वैक्सीन को उन्होंने तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। पर इससे पहले कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से खत्म करके दुनिया से सभी टाइटन्स को खत्म कर दे, उन्हें मार दिया गया और उनका एक्सपेरिमेंट बीच में ही रुक गया। लेकिन जो वैक्सीन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर डाली थी उससे तुम उन सभी टाइटन्स का सामना कर सकते हो, तुम कभी भी टाइटन में बदल सकते हो। और ये बात मैं पहले से जानता था, मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ क्योंकि ये डरपोक है, ये टाइटन्स का सामना नहीं करना चाहती बल्कि इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे हमेशा के लिए छुपना चाहती है, जबकि मैं टाइटन्स को खत्म करना चाहता हूँ। हरुमा को शिकिशिमा की बात सही लगती है और वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही हरुमा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक और बम को रिकवर कर लेते हैं और उसे ट्रक में लोड करके दीवार की तरफ जाने लगते हैं जहां पर वो होल है, जिस होल के अंदर से टाइटन्स एरिया 3 में आते हैं। लेकिन तभी इनके सामने शिकिशिमा आ जाता है और वो कहता है कि हमें इस हथियार का इस्तेमाल उस दीवार का होल बंद करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे एरिया 2 की दीवार गिराने के लिए ताकि वो लोग मजबूर हो जाए टाइटन से लड़ने के लिए। यही एक रास्ता है कि हम टाइटन्स को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो हमें जिंदगी भर इन दीवारों के पीछे छुप कर रहना होगा। एक बार हम टाइटन्स को खत्म कर दे उसके बाद हम इस गवर्नमेंट को भी गिरा देंगे और फिर हम आजादी से अपनी मर्जी से सबके सब एक समान जिएंगे। लेकिन हरुमा को और उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। हरुमा उसके खिलाफ हो जाता है और इसके बाद शिकिशिमा एक बार फिर से टाइटन में बदल जाता है। दरअसल इससे पहले जिस टाइटन ने हरुमा को कमांडर से बचाया था और कमांडर को मार दिया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद शिकिशिमा था। और अब यहाँ पर शिकिशिमा जो कि टाइटन बन चुका है
उसे रोकने के लिए हरुमा भी टाइटन बन जाता है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, लेकिन शिकिशिमा हरुमा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स उससे ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो हरुमा पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पर हरुमा हार नहीं मानता और वो शिकिशिमा से लड़ता है और किसी तरह से उसे हरा देता है। और इसके बाद उनके पास जो एक्सप्लोजिव होता है, हरुमा उसे दीवार के उस हिस्से में लगा देता है जहां पर उसे लगाना चाहिए था। लेकिन तभी दीवार के ऊपर हम कमांडर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में दीवार के पीछे जो बहुत बड़ा जाइंट टाइटन आया था, जिसने दीवार पर छेद किया था, वो और कोई नहीं बल्कि खुद कमांडर था। दरअसल कमांडर चाहता है कि हमेशा इंसान टाइटन से डर कर रहे, वो उनका खात्मा नहीं करना चाहता। लेकिन अब जब एक कमांडर के ऊपर तीर से हमला करते हैं तो वो एक बार फिर से उसी जाइंट टाइटन में बदल जाता है और हरुमा चाहकर भी उसका अकेला सामना नहीं कर सकता। लेकिन अब शिकिशिमा भी हरुमा का साथ देता है और ये दोनों के दोनों मिलकर उस जाइंट टाइटन से लड़ते हैं। और इसी लड़ाई के बीच में इनके पास जो एक्सप्लोजिव जो मिसाइल होती है, ये उसे कमांडर जो कि टाइटन बन चुका है उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं। और जब वो ब्लास्ट होती है तो न सिर्फ कमांडर का खात्मा होता है बल्कि दीवार के कुछ हिस्से टूटने से और टाइटन के मलबे से वो छेद भी बंद हो जाता है जहां से दूसरे टाइटन्स एरिया 3 में आया करते थे। यानी कि अब ये जगह पूरी तरह पहले की तरह सुरक्षित हो चुकी है। वहीं हरुमा को और मिकासा को दिखाया जाता है जो दीवार के ऊपर खड़े होते हैं। जैसा कि हरुमा का हमेशा से सपना था कि वो दीवार की दूसरी तरफ की दुनिया को देखना चाहता था और यहां से उसे विशाल समंदर दिखता है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार समंदर को देखा है, जिसे देखकर हरुमा और मिकासा बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।